नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन अलार्म का। आज अलार्म में बात ग्वालियर की सड़कों पर काल बनते ब्लैक स्पॉट की। ग्वालियर में हर साल सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है, इनमें से कई हादसे ब्लैक स्पॉट पर होते हैं। ब्लैक स्पॉट यानी वो जगह जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। ग्वालियर में ऐसे 5 ब्लैक स्पॉट हैं जिन पर पिछले 3 सालों में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। आखिर इन ब्लैक स्पॉट्स को सुरक्षित क्यों नहीं बनाया जा रहा? सड़क हादसों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? इन सभी मुद्दों पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले देखिए ग्वालियर की सड़कों पर ब्लैक स्पॉट कैसे काल बन रहे हैं। जौरासी घाटी, आई हॉस्पिटल तिराहा, सिकरौदा चौराहा, सिमरिया टेकरी, कल्याणी चौराहा, ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है, सड़क पर सफर करने वाले लोगों के लिए काल है ये। ग्वालियर के 5 ब्लैक स्पॉट है ये, यानी वो जगह जो सफर के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है, वो जगह जहां बेलगाम रफ्तार लोगों की जान लेता है। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। ग्वालियर के ये सभी 5 ब्लैक स्पॉट झांसी आगरा हाईवे पर हैं। यहां आए दिन हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है। इन ब्लैक स्पॉट पर पिछले 3 सालों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जान पर आफत, कितने ब्लैक स्पॉट? जौरासी घाटी में 38 मौतें, आई हॉस्पिटल तिराहा में 19 मौतें, सिकरौदा चौराहा में 23 मौतें, सिमरिया टेकरी में 11 मौतें और कल्याणी चौराहा में 15 मौतें। सिकरौदा चौराहा है, जैसे कि जे या तो फ्लाईओवर होना चाहिए ऊपर से रोड, या उस पर ब्रेकर बनना चाहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ एक्सीडेंट होती है, हफ्ता भर नहीं हो पाता, उससे पहले 1-2 दिन में हो जाती है। अभी 3 लोग मरे थे, एक बच्चा मरा था, भांजा, एक बच्ची बहन और भाई। ये आंकड़े देखे आपने, लेकिन सड़कों पर ये ब्लैक स्पॉट कैसे बने? ये चौराहे मौत के चौराहे कैसे बन गए? जौरासी घाटी में अंधा मोड़, सिमरिया टेकरी में नहीं है साइड रोड, सिकरौदा चौराहे पर बेलगाम रफ्तार। सर ये चौराहे बहुत खतरनाक है, इसमें क्या या तो ब्रेक बनाना चाहिए या फिर ऊपर से मतलब रोलर होता है, क्या होता है वो भी अच्छी बात है। कार के जा तो रेस्टेंट होती रहती है, रोड बहुत खतरनाक हो गया है, क्या चौराहा बहुत खतरनाक है जी, क्या है कि गाड़ियां रुकती नहीं है। इन ब्लैक स्पॉट पर लगातार हादसे होते हैं। लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार, सड़क का संकरा होना, स्पीड ब्रेकर ना होना, ट्रैफिक पुलिस तैनात ना होना, यातायात नियमों का पालन ना करना हादसों की वजह बन रहा है। देखिए ब्लैक स्पॉट के लिए अलग से एक LED की व्यवस्था हो, उसकी मॉनिटरिंग हो और कोई दुर्घटना न हो, और एम्बुलेंस भी आसपास में ब्लैक स्पॉट के पास में ही एम्बुलेंस रहना चाहिए, क्यों कई बार ये स्थिति होती है एम्बुलेंस में आने में देरी होती है, तो कई बार जिसकी हम जान बचा सकते हैं वो मृत्यु के गाल में समा जाते हैं। इसलिए ये पहली बैठक में जो सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक हुई थी उसमें निर्देश दिए हैं, और जो भी विभाग की सड़क रोड है उन विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो नॉर्म्स के अंदर जो रोडों पे पालन होना चाहिए वो पालन विभाग करे। ग्वालियर में हर साल सड़क हादसों में कई लोगों की जान जाती है। 2021 में यहाँ 504 हादसे हुए जिनमें 348 लोग घायल हुए हैं और 80 लोगों की हादसों में मौत हुई है। 2022 में 540 हादसे हुए जिनमें 410 लोग घायल हुए और 107 लोगों की जान गई। 2023 में 617 हादसे हुए जिनमें 429 लोग घायल हुए और 108 लोगों की मौत हुई। 2024 में अब तक 378 हादसे हुए जिनमें 296 लोग घायल हुए और 61 लोगों की जान गई। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे सड़कें काल बन रही हैं। ग्वालियर के ये ब्लैक स्पॉट लोगों की जान ले रहे हैं। आखिर इन हादसों पर कब लगाम लगेगी? इन सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए कब पहल की जाएगी? कब सफर सेफ बनेगा? सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर।
ग्वालियर के सिकरोदा चौराहा स्थित ब्लैक स्पॉट बेहद खतरनाक है। यहाँ 3 सालों में कई सड़क हादसे हुए हैं जिनमें 23 लोगों की जान गई है। आखिर क्यों ये चौराहा ब्लैक स्पॉट बन गया, जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील कौशिक। ग्वालियर जिले में 5 ब्लैक स्पॉट है। इन 5 ब्लैक स्पॉट पर 3 साल में सड़क हादसों में 1 से 6 लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त हम खड़े हैं ग्वालियर के सिकरोदा चौराहा स्थित इस ब्लैक स्पॉट पर। इस चौराहे को आप गौर से देखिए, यहाँ ये जो चौराहा है इसमें 4 तरफ से रास्ते आते हैं। एक रास्ता ग्वालियर शहर से आता है, दूसरा घाटी गांव तरफ से बाईपास का रास्ता आता है, तीसरा ये जो बाईपास है इसमें एक तरफ आगरा के लिए है तो दूसरी तरफ डबरा झांसी के लिए रास्ता जाता है। इसी चौराहे पर अगर देखें तो 3 साल के अंदर जो विभिन्न हादसे हुए हैं उन हादसों में करीब 19 लोगों की जान गई है इस चौराहे के आधा किलोमीटर के आसपास के एरिए में। और आप स्थिति देखिए कि इस चौराहे पर अभी भी जो लाइट है सिग्नल बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो संकेतक होना चाहिए जिस पे लिखा होना चाहिए कि ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र ब्लैक स्पॉट है, यहाँ स्पीड कम करके चलना चाहिए, ऐसा कोई संकेतक बोर्ड आसपास नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो स्पीड ब्रेकर भी इस इलाके में बने हुए नज़र नहीं आ रहे ताकि गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कंट्रोल की जा सके। 24 घंटे में हजारों वाहन इस चौराहे से गुजरते हैं और यही वजह है कि यहाँ अक्सर सड़क हादसे होते हैं और इन सड़क हादसों में करीब 19 लोगों की जान 3 साल में गई है। हमारे साथ कुछ प्रतिनिधि है, कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चौराहे पे स्थिति इतनी खराब है कि सबसे ज़्यादा हत्या जाना होती है, 3 दिन 4 दिन निकलते नहीं है, वो हो जाते हैं, एक्सीडेंट इतना हो जाता है। अभी एक्सीडेंट कौन सा हुआ था? अभी 3 बच्चे, एक बहन, एक भाई, एक भांजा, और भांजी बच गई थी, 3 लोग खत्म हो गए थे उस स्पोर्ट में। और ये तो ना तो बत्ती पे कोई गाड़ी रुकती है और ना इस पे ब्रेकर है। हम तो यही कह देंगे, कलेक्टर महोदय से इतना ही कहना चाहेंगे, या तो ब्रेकर बनाया या फ्रोल या स्क्रीन लगी हुई है क्या, या दुर्घटना संभव क्षेत्र का कोई बोर्ड वगैरह लगा है? नहीं, कोई बोर्ड नहीं लगाया अभी। एक बार भी इधर देख लो, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि कोई बोर्ड नहीं लगा है। और हम तो यही कहना चाहेंगे ये ब्रेकर जल्द से जल्द बनाया जाए वो कलेक्टर महोदय। और 6 नंबर भी गाड़ी खड़ी नहीं है, आप भी कैमरा घुमा के देख सकते हैं कहीं भी। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर जिले का जो ब्लैक स्पॉट सबसे बड़ा है सिकरोदा चौराहा, करीब 1 हफ्ते पहले यहाँ हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। उस दौरान पुलिस प्रशासन ने कहा था कि यहाँ 24 घंटे 100 नंबर डायल मौजूद रहेगी। इसके अलावा सांसद भारत सिंह ने भी बैठक में कहा है कि यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, इसके अलावा यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे, साथ ही स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, लिहाजा स्पीड कम रख के चले। इन सिफारिशों पर या इन बैठकों पर कितना असर होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी भी ग्वालियर जिले के 5 ब्लैक स्पॉट लोगों के लिए मौत का सबब बन रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो सुशील कौशिक ने वहां जायजा भी लिया, हमारे साथ जुड़ भी गए हैं सुशील, ग्वालियर से ही सीधा सुशील कौशिक का रुख कर लेते हैं। सुशील, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, जिस तरह से जो ब्लैक स्पॉट है लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं जाग रहा है प्रशासन, क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उसी ब्लैक स्पॉट सिकरोदा चौराहे पर खड़े हैं। अगर हालात देखेंगे तो हालात में अभी भी कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। 2 सप्ताह पहले यहाँ जो भीषण सड़क हादसा हुआ था इस चौराहे पर, उसमें 3 लोगों की जान गई थी। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ आसपास कोई एम्बुलेंस नजर नहीं आ रही है, साथ ही ना यहाँ अभी तक स्पीड ब्रेकर बने हैं, जिन स्पीड ब्रेकर को हादसे के बाद ही बन जाना चाहिए था, स्पीड ब्रेकर नहीं बने। इसके अलावा दुर्घटना संभव क्षेत्र का आसपास बोर्ड का कोई पता नहीं है, यही वजह के लोग आज भी परेशान हैं और इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या हालात है। भैया, ये एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से कुछ बदला हुआ? कुछ नहीं बदला सर। किस तरह से क्या स्थितियाँ हैं? बहुत बुरी स्थिति है, ना तो एम्बुलेंस है, ना कुछ है, ना डिवाइडर है, और एम्बुलेंस भी घंटों बैठे रहते हैं, घंटों लाश पड़ी रहती है, कुछ नहीं होता। कुछ बदलाव हुआ? कुछ बदलाव नहीं है। एक्सीडेंट हुआ था उसके कुछ बदलाव नहीं है, ब्रेकर बने नहीं है, इसमें 4-4 गाड़ी इकट्ठी आती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ देखभाल नहीं आती। बाइक बहुत तेज गति से आती है, उसके बाद अनियंत्रित हो जाती है, क्या स्थिति है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर सुनवाई होना चाहिए उनकी। हाँ। ब्रेकर बनना चाहिए इनमें। हाँ। बहुत से हादसा हो चुके हैं यहाँ पे। हाँ जी,
ज्यादा रश रहता है। हाँ, रेस स्पीड ज्यादा रहती है गाड़ियों की। क्या स्थितियाँ है अरविंद जी? सर पत्रकार जी, आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने इस लायक समझा मेरे को। और जैसे कि अभी तीन घटना हुई थी ना, तो उस दिन ही ब्रेकर बन जाते, सीएम साहब चाहते, एसटीएम साहब चाहते और कलेक्टर महोदय चाहते, तो अभी तक कोई ब्रेकर नहीं बना है, ना पूर्णवर की कोई बातचीत हुई है और ना तो कोई सुनवाई है। एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं, ना तो एम्बुलेंस मिलेगी यहाँ, या ना अनडेट गाड़ी भी नहीं मिलती है। हाँ, हर तीन दिन ऐसा होता है। हादसों में डर लगता है क्या? स्थिति है बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल साफ। गाड़ी चलाने में कैसा लगता है? बहुत भयंकर एक्सीडेंट होते हैं और बहुत भयंकर तकलीफ होती है। गाड़ी चलाने में डर लगता है? डर लगता है बहुत। यहाँ खड़ा होने में डर लग रहा है, कोई डिवाइडर ही नहीं है ना कोई ब्रेक। तो निश्चित तौर पर आप देखिए एक बार और इस चौराहे को देख लीजिए। ये एक रास्ता ग्वालियर से आया, दूसरा रास्ता गुना शिवपुरी का बाईपास है, तीसरा रास्ता अगर देखेंगे तो ये जोरासी तरफ से आ रहा है, चौथा रास्ता है डबरा के लिए जा रहा है, पांचवा रास्ता अगर देखेंगे तो मुरैना से आ रहा है। और यहाँ इस चौराहे पर स्थितियाँ देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल को संभालने के लिए कुछ है नहीं। इसके अलावा रेड लाइट बंद पड़ी हुई है, साथ ही अगर देखें तो स्पीड ब्रेकर नहीं है, ना ही यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे हैं कि अगर किसी तरह की घटना होती है तो उसमें पुलिस को जांच में मदद मिल पाए। निश्चित तौर पर दो सप्ताह पहले इस जगह तीन मौतें हुई थी और लगभग 19 मौतें तीन साल में इसी चौराहे पर हो चुकी है। उसके बावजूद भी इस ब्लैक स्पॉट सहित जो चार अन्य ब्लैक स्पॉट है उनको सुध लेने के लिए प्रशासन के पास वक्त नहीं है। यहाँ डिवाइडर कम से कम बन जाना चाहिए, दुर्घटना संभावित क्षेत्र के बोर्ड लग जाना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, पुलिस की गाड़ी होना चाहिए, एक दो पुलिस वाले यहाँ होना चाहिए ताकि जो लोग हादसों में जान गंवा रहे हैं उन लोगों की जान बच जाए आने वाले समय में। और यहाँ पर जो आपने तस्वीरें भी दिखाई चौराहे की और लोगों से बात भी की है, आप बने रहिए हमारे साथ। किस तरह से इन ब्लैक स्पॉट्स पर सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है वो आपने देखा। इन हादसों पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, ब्लैक स्पॉट को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने इसे लेकर बैठक की और कई निर्देश भी दिए हैं। ग्वालियर में ब्लैक स्पॉट पर होने वाले हादसों पर कैसे लगाम लगाई जाए, सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने इसके लिए पहल की है। भरत सिंह कुशवाहा ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की, बैठक में उन्होंने अधिकारियों को हादसे पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। ये पहली बैठक में जो सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक हुई थी उसमें निर्देश दिए और जो भी विभाग की सड़क रोड है उन विभागों को भी निर्देश दिए गए कि जो नॉर्म्स के अंदर जो रोडों पर पालन होना चाहिए वो पालन विभाग करे, नहीं इसकी जिम्मेदारी। कोई दुर्घटना होती है तो अगर समीक्षा में जांच में अगर जो भी विभाग दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई बार हमारी दुर्घटना में व्यक्ति घायल हो जाता है, उसकी जान बचाने का काम ऐसे लोग भी करते हैं जो बहुत इमरजेंसी काम से जा रहे हों, अकेले वो प्राथमिकता लोगों की जान बचाने में समय देते हैं, उन ऐसे व्यक्तियों को भी पुरस्कृत करने का काम होना चाहिए, ऐसा मैंने बैठक के दौरान निर्देश दिए। ब्लैक स्पॉट को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, हादसों पर कैसे लगाम लगाई जाए, ब्लैक स्पॉट पर क्या इंतजाम किए जाएं, घायलों की मदद करने वालों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और इसे लेकर सांसद ने कई निर्देश भी दिए हैं। सुरक्षित बनेगा सफर, ब्लैक स्पॉट पर सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, एम्बुलेंस को तैनात रखना, ब्लैक स्पॉट पर चेतावनी यानी साइन बोर्ड्स, घायलों की मदद करने वालों को सम्मान, 5,000 रुपए का राशि सम्मान। देखिए ब्लैक स्पॉट के लिए अलग से एक एलईडी की व्यवस्था हो, उसकी मॉनिटरिंग हो और कोई दुर्घटना न हो और एम्बुलेंस भी आसपास में ब्लैक स्पॉट के पास में ही एम्बुलेंस रहना चाहिए, क्यों कई बार ये स्थिति होती है एम्बुलेंस में आने में देरी होती है तो कई बार जिसकी हम जान बचा सकते हैं वो मृत्यु के गाल में समा जाते हैं। अगर इन निर्देशों का पालन किया जाए तो ब्लैक स्पॉट्स को सुरक्षित बनाया जा सकता है, सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। अब देखना यह है कि इन निर्देशों का पालन कब तक किया जाता है और कब रोड सेफ्टी की इस पहल पर अमल होती है। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। ग्वालियर की सड़कों पर जिंदगी के लिए काल बन रहे ब्लैक स्पॉट पर क्या कहना है ट्रैफिक पुलिस के एएसपी का, सुनिए।
ये ब्लैक स्पॉट हम पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस में निर्धारित किए जाते हैं, मतलब वो एक 500 मीटर का या 200 टू 500 मीटर का स्ट्रेच होते हैं, वहाँ पे तीन कैलेंडर ईयर में जितने एक्सीडेंट, 5 एक्सीडेंट और 10 डेथ हो चुका है, उसके बेसिस पे हम निर्धारित करते हैं कि इधर ज़्यादातर एक्सीडेंट्स कॉन्सनट्रेट होते हैं, तो उस स्पॉट को हम ब्लैक स्पॉट निर्धारित की जाती है। तो अधिकतर वो जो पर्टिकुलर रोड एजेंसी है उनको ये ड्यूटी देते हैं कि ये जो ब्लैक स्पॉट्स को रेक्टिफाई करे। मोस्टली वहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग, रोड रिलेटेड इंजीनियरिंग समस्याओं के कारण ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जैसे अप्रोच रोड आ रहे हैं, हाईवे पे मर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रहे हैं हाई मेन हाईवे पे जो गाड़ियाँ आ रहे जा रहे हैं उनको ठीक से नहीं दिख पाते हैं, या स्पीड से इनकमिंग व्हीकल आ रहे हैं वहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाना या रोड के जो एलिवेशन उसमें थोड़ा करेक्शन करना, ये सारे रेक्टिफिकेशन मेशर्स के लिए संबंधित रोड एजेंसी और ट्रैफिक पुलिस मिलके काम करते हैं। और इन ब्लैक स्पॉट्स में और क्या कुछ हो सकता है जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं प्रफुल्ल जोशी जी। प्रफुल्ल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। हमने एक पूरी रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से ग्वालियर में जो ये ब्लैक स्पॉट्स हैं लोगों की जिंदगी ले रहे हैं, आप बतौर एक्सपर्ट क्या कहेंगे इनको लेकर और क्या कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए थे, क्या हो सकता है? देखिए ग्वालियर से मैं काफी फेमिलियर हूँ और ग्वालियर का एक एमपी में एक बड़ा चैलेंजिंग सिटी है ये, स्पेशली कि जो शहर है वो बिल्कुल सर्कल के बीच में है और उसके चारों तरफ नेशनल हाईवेज निकलते हैं और इंडिया और एमपी मतलब जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसकी पूरी कनेक्टिविटी दिल्ली से जो है वो वाया ग्वालियर ही है, तो निश्चित रूप से ग्वालियर पे जो ट्रैफिक का लोड है वो सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर जो इंजीनियरिंग का जहां तक बात करता हूं मैं, तो जो जितने नेशनल हाईवेज हैं वहां पर इंजीनियरिंग से ज्यादा इश्यू हो गया अब स्पीड को रोकने का, क्योंकि वहां पर अभी तक आप जो भी देख रहे हैं, जो भी अभी आपने 2-3 एक्सीडेंट्स का पिछले जो 10-12 दिन में हुए हैं उनका जो जिक्र किया उसमें बताया कि जो एक्सीडेंट हुए सारे रफ्तार के कारण हुए हैं। तो जहां पर भी अप्रोच रोड मर्ज होती है या हमारे ग्वालियर का जो ट्रैफिक मेन रोड पर आकर मिलता है डबरा की तरफ या ग्वालियर की तरफ या मुरैना की तरफ या भिंड की तरफ, चारों तरफ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ग्वालियर के, तो वहां पर जाकर जो ट्रैफिक जो सिटी में आता है और जो सिटी से हाईवे पे मर्ज होता है और एक ऐसा ट्रैफिक होता है जो सीधा स्ट्रेट दिल्ली जाता है, तो जो शहर का ट्रैफिक आता और जाता है इसकी रफ्तार पर लगाम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ग्वालियर के लोग हताहत होते हैं, तो हमको उसमें सबसे ज्यादा काम करने की अत्यंत आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी आपका इस बातचीत के लिए, सुशील आपका भी इस रिपोर्ट के लिए, और किस तरह से ये ब्लैक स्पॉट लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं वो आपने देखा और एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुन लिया। और फिलहाल अलार्म में आज के लिए इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए न्यूज 18 के साथ।